एवरीवन, हाउ आर यू। तो गाइस, मेरे अभी तक के सबसे मोस्ट प्रीमियम सनग्लासेस मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। जो मैंने ये सनग्लासेस मंगाए थे, ये टोनी स्टार्क वाले सनग्लासेस, लिटरली नेक्स्ट लेवल सनग्लासेस मैंने मेरे भैया के बर्थडे पर मंगाए थे। तो गाइस, मेरे भैया का 15 जून को बर्थडे था एंड मैंने उनके बर्थडे पर ये सनग्लासेस मंगाए थे। एंड गाइस, आज इनकी अनबॉक्सिंग और वीडियो बनाने का टाइम मिला है। आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई को मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा रफली हो रही हैं, उनको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। चलिए गाइस, वीडियो को जल्दी से जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइस, जो बॉक्स की क्वालिटी है वो थोड़ा सा मतलब गंदी से हो गई, क्योंकि 20 दिन हो गए ऑलमोस्ट चश्मा आए हुए। एंड हाँ, काफ़ी डिसेंट क्वालिटी, काफ़ी अच्छी प्रीमियमनेस अलग ही दिखती है एक्सपेंसिव चीज़ों की। तो गाइस, सब हम और ये क्लीनिंग क्लॉथ साथ में आया है और कुछ पोती पत्र, मतलब कुछ कागजात वगैरह भी आए थे, बिल वगैरह भी आया था, वो सब चीज़ें हटाओ। गाइस, मेन फोकस करते हैं हम अपने ग्लासेस पर। ओ माई गॉड, लिटरली यार, वाट इज़ दिस, मतलब यार प्रीमियमनेस ना हाथों में पकड़ते ही फील होती है, जो इसकी प्रीमियमनेस है वो अलग ही फील होती है। वाट इज़ दिस यार, मतलब आप लोग ना जब इसको हाथ में पकड़ोगे तो कहोगे हाँ भाई, कोई प्रीमियम चीज़ पकड़ी हुई। फ्रेंड, जो इनको पहनने के बाद एक्सपीरियंस है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है, एकदम टोनी स्टार्क वाली फीलिंग आती है। बट मेरे ऊपर ये उतने कूल नहीं दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा साइज में बड़े हैं, मैंने भैया के लिए मंगाए थे। बट जो इनकी क्वालिटी और जो यार मतलब टोटल ऑल एक्सपीरियंस है वो ना एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। बहुत ही तगड़ी क्वालिटी है यार, कुछ ज़्यादा ही मतलब बहुत ही मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल प्रीमियम चीज़ है यार। मतलब आप लोग इसको डिफरेंट कैजुअल लुक में पहन सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा कूल दिखेंगे। अब कहीं पर भी वेयर कीजिए, सच में गाइस ये आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक देने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल सनग्लासेस सभी पहनते हैं। अगर किसी को नॉलेज होगा तो वो ऑब्वियसली गौर करेगा यार कि वो टोनी स्टार्क के सनग्लासेस, जो उनकी प्रीमियमनेस है वो ना एक दूरी से अलग से पहचान में आ जाती है। ये बिल्कुल भी चीफ नहीं लगते हैं। मेरा टोटल ऑल एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं, बट डिफरेंट लुक दे रहे हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट दे रहे हैं। मतलब सर लिटरली अमेजिंग, बिल्कुल भी आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, काफ़ी डिफरेंट लुक आपको मिलने वाला है, इनका सब भारी भरकम है। बाकी गाइस, यदि आपको ओवरऑल डिफरेंट लुक चाहिए तो यू कैन बाई इट, एंड सच में काफ़ी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। एंड यदि आप लोग किसी के सामने से पहनते हो ना, तो जो आपको कम्प्लीटली एक्सपीरियंस और आपको जो रिएक्शन मिलने वाला है ऑडियंस से ना, वो एकदम ही अलग फीलिंग दिलाएगा, फुल पैसा वसूल चीज़ है यार। मेरे गाइस, जो फ्रेंड का रिएक्शन रहा इन सनग्लासेस को देखने के बाद, वो लोग पूछ रहे थे कहाँ से लिए, क्या ये सब, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बनाया जाए। एंड गाइस, अब बात करें अगर इनकी प्राइस पॉइंट की, गाइस एक सेम ऐसे ही सनग्लासेस मैंने लास्ट ईयर मंगाए थे, वो एक्चुअली कॉम्बो में थे, एक ये थे एक ट्रांसपेरेंट था, तो गाइस वो काफ़ी चीप थे। यदि आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो काफ़ी सस्ते और प्रीमियम सनग्लासेस हैं, आप लोग उनको बाई कर सकते हैं एंड अफोर्ड भी कर सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर से चेकआउट कीजिए, वो काफ़ी प्रीमियम सनग्लासेस हैं एंड अफोर्डेबल है, ये थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं है। तो गाइस, जो इसकी प्राइस है वो मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली बताता नहीं हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसी सनग्लासेस की लिंक दी हुई है, यदि आप लोग ख़रीदना चाहें तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए एंड वहाँ से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग खरीद भी सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं। तो गाइस, अब आपको मैं वो सनग्लासेस दिखाता हूँ जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने बताया, मैंने पिछली बार जो सनग्लासेस मंगाए थे उन्हीं में से एक मेरा अभी भी ये वर्क कर रहा है और अच्छे से चल रहे हैं ये सनग्लासेस। तो गाइस, मैं फॉर्मल लुक में इस सनग्लासेस को यूज़ करता हूँ मोस्टली। ये ऐसे सनग्लासेस हम अपने कोचिंग, स्कूल या किसी भी फॉर्मल इवेंट में पहन सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, कोई ऐसा नहीं है, नाइट इवेंट में भी हम लोग इसको अच्छे से पहन सकते हैं एंड काफ़ी डिफरेंट लुक देते हैं, क्योंकि ये भी टोनी स्टार्क के ही ग्लासेस है। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, यदि आप लोग ये वाला सनग्लासेस मंगाएं तो इसकी जो ये फ्रेम है वो स्टील फ्रेम मंगाएं, मैंने फ्रेम मंगाया था बट वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड आप लोग स्टील फ्रेम मंगाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा फॉर यू। तो गाइस, अभी मैं पर्सनली ये मैं ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करता हूँ अपने डेली इवेंट में, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, कहीं पर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस चश्मे को ना पिछले 9 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया, वैसे ही का वैसा चमक रहा है जैसे स्टार्टिंग में था। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट हाँ मैंने 9 महीने में काफ़ी यूज़ किया है, तो बट अभी भी काफ़ी तगड़ी चीज़ है। जो सबसे डिफरेंट बात है वो तो ये है, जब आप इन दोनों चश्मों को पहनते हो ना, जो आपकी फीलिंग टोनी स्टार्क वाली आती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। गाइस, अब मैं आपको अपने सनग्लासेस दिखाता हूँ जो धूप प्रोटेक्शन के, ये गाइस मैं अपने सन प्रोटेक्शन के लिए इनको यूज़ करता हूँ। छोटे से भी हैं, हल्के लाइट वेट है, काफ़ी लाइट वेट है ये और काफ़ी हल्के हैं, तो गाइस मैं नॉर्मली इनको यूज़ करता हूँ। ये तो मैंने नॉर्मल मार्केट से मंगाए थे, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग लुक देते हैं, मुझे अलग दिखने में काफ़ी, मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग ये मुझ पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब अभी आपको वीडियो में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, बट मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड गाइस, ये भी काफ़ी प्रीमियम है, ये तीनों सनग्लासेस
गाइस ये तीनों चश्मे ऐसे हैं, चाहे तो 3 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल से भी फेंक दो तो ये टूटेंगे नहीं, काफ़ी प्रीमियम है। तो गाइस अभी तो हम इन्हीं 3 चश्मों को यूज़ करते हैं। यदि आप लोगों को ये ग्लासेस पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कीजिए। तो गाइस आप लोगों को मेरे सबसे अच्छे चश्मे कौन से लगे प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस यदि आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई, तो वहाँ जाकर के आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो आपको कौन से सनग्लासेस प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।